यो गाइस वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। और आज हमारा लास्ट वीक इसके अंदर एकदम से लास्ट दिन है। बैग हमारा पूरा पैक हो चुका है यहाँ पर और एक टची वहाँ पड़ी हुई है एकदम से रेडी। फाइनली कमरा भी एकदम से टाइडी। सिर्फ ये जगह को छोड़कर बहुत ज्यादा खाया पिया, बहुत ज्यादा मजे किए और बहुत ज्यादा फन किया। और ये फैन वगैरह भी मैं ऑफ कर देता हूँ, इसको भी ऑफ करो और इसको भी ऑफ करो। दरवाजे पर कौन नॉक कर रहा भाई? लंबी ट्रिप पर जाने से पहले थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट पकड़ लेते हैं। ब्रेकफास्ट मैकडॉनल्ड का ही सबसे खतरनाक होता है। कहाँ जा रही? इधर इधर रहना तेरे को मामा। जी वाह। तो गाइस ये अपना डैम, ऑब्वियसली वाटर की जो है लेवल थोड़ा बहुत कम है। आप देख सकते हो कि यहाँ तक पानी आ सकता है लेकिन फिलहाल थोड़ा बहुत कम है। तो ठीक उसके पीछे आपको ब्रिज याद होगा ना, और ये वही ब्रिज है जिसके नीचे से हम अपने प्लेन उड़ा के लेके जाते हैं और हमेशा ठुक जाते हैं। मेरे को ना यहाँ से मोटा पत्थर चक्के वहाँ नीचे फेंकना यार, पूरी गहराई चेक करनी मेरे को पानी की। वैसे अगर देखा जाए तो व्यू अपना एपिक है। हम बिल्कुल वहाँ से ड्राइव करके लेके आए थे अपनी गाड़ी बिल्कुल डैम के ऊपर से। तो अनफॉर्चुनेटली हमें यहाँ पर पार्किंग नहीं मिली तो हमने यहाँ पर पार्क कर दी। और अगर यहाँ से व्यू चेक आउट करें तो वाह जी वाह, पानी का लेवल बहुत कम है यार। सोचो करके देखो अंदर, बड़ी जोर की लगी हुई है वैसे ही मेरे को। एकदम एकदम मस्त जगह थी यार, मजा आ गया। दो मिनट बाद स्टॉप कर रहे हैं गाइस, कोई अच्छा व्यू मिले और वहाँ से फोटो खिंचाए। पहले वहाँ पर रुके, फिर यहाँ पर रुके और अभी यहाँ पर रुक रहे हैं। और अभी आगे हमारी 3 घंटे की जर्नी है क्योंकि इसके बाद हम जा रहे हैं ग्रैंड कैनियन। और वहाँ पर खाने पीने के लिए आई डोंट थिंक कुछ ना कुछ मिलने वाला है। होय 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 होय, क्या लिया जाए यार, मैं तंग आ चुका हूँ यार। कोक और पेप्सी पी के यार, कोई नई ड्रिंक्स दिखाओ ना मेरे को यार। तो ये वाली चीज मैंने ट्राई नहीं की अभी तक, तो ये ले लेते हैं एक बोतल। रियल टर्टल बना के रखा है लोगों ने और कितने सारे ड्रीम कैचर्स हैं ये देखो, ये जबरदस्त है यार। ओ माय गॉड, लगता है ईगल। ये देखो मेरे को क्या मिला। जो ब्रिज हमने नीचे से देखा था ना, अभी फिलहाल हम उसी ब्रिज के ऊपर वॉकिंग कर रहे हैं और पूरा हाईवे साथ में, बहुत ज्यादा विंडी भी है। सारे बंदे टेलीफोन लेकर खड़े हैं अपने यहाँ पर ब्रिज के ऊपर। और ना मजाक नहीं कर रहा, जब हम ब्रिज के ऊपर आ रहे थे ना तो वहाँ पर बकायदा लिखा हुआ था, सवारी अपने सामान की आप जिम्मेदार है, लाइक अपने रिस्क पर अंदर जाओ। लिटरली पता नहीं क्या होने वाला है यहाँ पर। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ भाई फोन कर गया ना तो सारे ब्लॉक चले जाएंगे अपने यहाँ पर। गाइस ये रहा अपना दी हूबर डैम और ये आई बिलीव फादर वाडो रिवर है। और यहाँ से गए थे वहाँ पर रुके, फिर वहाँ पर रुके, फिर वहाँ पर रुके और अभी अभी ब्रिज के ऊपर। माँ ने अपने फोन को एकदम से कस के पकड़ के रखा हुआ है। देखो व्यू भाई, इतना ऊंचा था मेरे को तो पता भी नहीं था। डेफिनेटली अभी मेरे को कुछ ना कुछ यहाँ पर फेंकना है। फिलहाल तो मेरे पास कुछ भी नहीं है और यहाँ पर पत्थर भी नहीं है, तो फिलहाल हम थूक ही फेंकते हैं। ओ भाई 50 साल लगेंगे उसको नीचे पहुंचने में। अभी अभी एक बार फिर से चैलेंज कर रहे हैं ट्रक से हॉर्न बजवाना, ठीक है? तो मारियो लास्ट टाइम ट्राई किया नहीं हुआ, अभी आती है मेरी बारी। ओके सामने ट्रक आ रहा है और को मुगात्र हो गया। हेलो चबू, कम ऑन, ये तेरे को नहीं आता। ओ ब्रो पैकिंग तो रखा है। और मैंने अभी एक बात नोटिस की, ये ड्रिंक मैंने लेकर रखा ना ये वाला, अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके ऊपर लिखा हुआ $1। और उस चमो बंदे ने पेन से ऐसे मिटाया कि मेरे को $3 में बेच दिया। मैं तो गाइस सो के आ रहा हूँ, लेकिन ये मार को मारिए पता नहीं कौन सी गलियों में से घुमा के यहाँ पर लेके आ चुके हैं। यहाँ पर आप फायरिंग कर सकते हो, मैं मजाक नहीं कर रहा। आई कैन हियर इट, यार वहाँ पर टैंक वगैरह सब कुछ खड़े हैं। यू कैन शूट अ 50 कैल, साथ में चॉपर भी लगा हुआ है। वहाँ पर एक्चुअली टैंक खड़ा है, ये देखो ये टैंक खड़ा है यहाँ पर, ये एक्चुअली टैंक है यहाँ पर। यार इन मामलों में US मेरे को बहुत अच्छा लगता है यार, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, एकदम ओपन जगह कुछ भी कर लो। तो अंदर जाके प्राइस पता करते हैं, फिर देखते हैं कि हमारी रेंज में है कि नहीं। तो फोटोग्राफी बाद में कर लेना यार। अरिज़ोना एक ऐसे भी खींचते थे मुंडा खुश हो जाएगा अपना यार। यहाँ पर किसी से बदतमीजी से बात नहीं करनी, जब बंदूकें होती है। ये देखो रैम्बो की शूटिंग यहाँ पर हुई थी भाई। अज्जू भाई, हेलो चचू, वहाँ पर हेलीकॉप्टर भी है। इसका तो मुंह एकदम खराब हो चुका है फिर। ये देखो ये कितना मस्त हो नहीं रहा यार, तो ये प्रॉपर काउबॉय लैंड है यार। और ये देखो चाचू अपने अमेरिका फर्स्ट। अभी मैं और मारियो दिखाएंगे एक दूसरे को अपना जलवा। अभी पता एक प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम ये है कि मैंने गेम्स के अंदर देखा कि गन्स के अंदर जो है रिकॉइल बहुत ज्यादा ही होती है, तो ऐसे मारते तो ऐसे चला जाता है। और मैंने सेलेक्ट किया बड़ी वाली गन, लाइक बड़ी स्नाइपर होती है, द मैक्स 50 कैल। तो ये ना हो कि मैं यहाँ से जैसे गोली मार रहा हूँ और जैसी गोली चली मैं रिकॉइल की वजह से वो पीछे जाके गिर रहा हूँ। ये फंडा बिल्कुल नहीं चाहिए। ये अपने करारे करारे डॉलर्स का पूरा पैकेज अपना $150 का, 150 मेरे, 150 मारियो के, उसमें से हमको 4 या 3 गन शूट करने को मिलेंगी। $100 का पैकेज भी था लेकिन उसमें
सिर्फ एक ही गन थी, तो हमको चार चार मारनी है। मैंने मॉन्स्टर ट्रक के बारे में सुना था और जीटीए में देखा भी है, लेकिन इतने बड़े होते हैं भाई, ये नॉर्मल गाड़ी है और ये मॉन्स्टर ट्रक है, और वो भी लिमोजिन वाला। ये एक पहिया चेंज करने में 10 बंदे चाहिए होंगे। ये हूँ मैं और ये रहा हमारा पहिया। भाई मेरा हाथ देख रहे हो, ये मेरा हाथ है और ये उसका पहिया। अब ये मैं टैंक को हाथ लगा के ना नीचे जाना इस तरफ, और बिल्कुल आपको तो आवाजें तो आ रही होंगी, और बिल्कुल वहीं पर हो रही शूटिंग। साफ साफ लिखा हुआ है कि आगे आने वाले बंदे को मार दिया जाएगा पुलिस से, अगर जो बंदा बच गया उसको भी मार दिया जाएगा। तो इस साइड हो रही है हमारी गन शूटिंग, तो वहाँ पर ऑलरेडी एक ग्रुप जा चुका है, तो सबसे पहले उनकी शूटिंग खत्म होगी फिर हम लोग जाएंगे। ओह माय गॉड, पूरे ट्रेंचेस बना कर रखे हैं, बिल्कुल मिलिट्री बेस लग रहा है यार ये मेरे को। भाई 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 भाई, एक गन ये रही, एक गन ये रही, और वो रहा सामने टारगेट। टारगेट कौन है? बिगफुट। तो बेसिकली गाइस, हमने आईपैड के ऊपर ना ये छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट साइन करके रखा हुआ है। तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ कि अगर कुछ हो गया तो इनकी जिम्मेदारी नहीं है, साथ में ये हेडफोन पहन के रखी है। मेरे को एक्चुअली बहुत डर लग रहा है यार, बहुत खतरनाक जगह बता चुके हैं। मेरे को लगा था कि लाउड होगा, आवाज़ें आएंगी, लेकिन इतनी खतरनाक लेवल की आवाज़ें आएंगी मेरे को नहीं पता था। और जा साउंड सुनी ना, और मैं गारंटीड कह रहा हूँ जो साउंड आप यहाँ पर सुन रहे हो ना उससे 500 गुना लाउड है ये। ये तो अच्छा हो गया ये चीजें पहन के रखी हुई हैं, नहीं तो गए थे। ये वाली एक बुलेट हमको शूट करनी है सबसे पहले, ये बुलेट का साइज मेरे मुंह से पड़ा है। अभी बड़ी वाली अब आएगी। ये देख रहे हैं, ये देखो कितने सारे शॉट्स पड़े हैं यहाँ पर। ऑलराइट, बॉडी इज गोइंग फर्स्ट। सामने कुछ येलो चीज पड़ी है उसको शूट करना है। कौन मारियो? वो This needs to be tight, your shoulder, cheek against the gun, and you're going to see a crosshair in there. And you got one shot, man. Keep that tight, okay? Oh, my God. यहाँ पर हड्डियाँ भी होती हैं, मेरे को पता भी नहीं था. This hand, right up under here. And bring your face way up here. You'll see a red dot. You see it? All right. So, yeah, right there's a good spot. So, lean forward into the gun. And two shots when you're ready. Right, lean forward a bit more, because on automatic, it's going to want to push you back, okay? Okay? So you're on full auto. First. Okay, bros, I'm shooting my favorite, the M4, con Mario, start recording. One second, put your ears on, man. Oh, yes, sir. Yes, sir. One second, two shots. बिल्कुल सेम गेम की तरह होता है ना, वन द रेड डॉट ग्रीन डॉट लगी बिल्कुल वैसे ही लगा, और ये वाली फोर बहुत लाउड है। मजा आ गया, मेरा थोड़ा बहुत कंधा दुख रहा है, उसके अलावा मजा आ गया। मेरे को ना ब्रोस हमेशा से M4 शूट करनी थी, हमेशा से, और M4 शूट करने का शौक चढ़ा था पबजी से, और आज भाई M4 शूट करके ना एकदम वो नॉस्टैल्जिया वाली फील आ रही है, पबजी वाली फील आ रही है, एकदम मजा आ गया मेरे को। और अभी चलते हैं ब्रोस गाड़ी के अंदर बैठते हैं, इस तरफ जाना 2 घंटे की ड्राइव है, और इवेंचुअली हम पहुंचेंगे द ग्रैंड कैनियन पर, वहां पर थोड़ा बहुत व्यू चेकआउट करके ना, और हमने होटल ही बुक नहीं कराया। मैं तो काम करते हैं, सबसे पहले ग्रैंड कैनियन चलते हैं, उसके बाद होटल वगैरह बुक करा के सीधा चलेंगे आराम कर रहे हैं। देखो प्लेन भी खड़े हैं अपने, बट इट्स ओके, मेरे को ग्रैंड कैनियन देखना था, ये रहा ग्रैंड कैनियन। ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया ना, फोटो के अंदर बहुत छोटा दिख रहा है, लेकिन है एक्चुअली बहुत बड़ी जगह है ये। इसके बाद अभी प्लानिंग सिंपल है, इसके बाद हमें होटल बुक करना है, और करीब 5-6 घंटे ड्राइव करके हमें कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी लॉस एंजलिस करीब 8-9 घंटे की दूरी पर है, और मैं गलत गाड़ी खोल रहा हूँ। मेरी गाड़ी किधर गई? किधर गई यार ये? अच्छा वो रही, ओ भैंस की, ये कैसी गाड़ी है ये देख रहे हो? बहुत खुला खुला सिस्टम है गाड़ी के अंदर, नहीं बैठ जाते हैं गाड़ी के अंदर यार। बहुत ज्यादा ड्राइव करने के बाद फाइनली हम एक होटल के ऊपर पहुंच चुके हैं, और ये होटल बिल्कुल मोटरवे के ऊपर है। भाई मेरे सामने जो व्यू है ना,
लाइक थोड़ा बहुत अंधेरा है लेकिन बहुत एपिक जगह है, बहुत ज्यादा एपिक जगह है भाई। ये जगह बहुत मस्त है यार, एकदम कोजी कोजी लाइक क्रिसमस टाइप फील मेरे को आ रही है ऑलरेडी। लाइटें देख रहे हो, प्रॉपर अमेरिकन जगह है यार ये। और यार अप्रोच अपना छोटा सा रूम, तो यार अप्रोच बेड नंबर 1 एंड बेड नंबर 2, तो मारियो और सिल्विया यहां पर सोएंगे और मैं सोऊंगा पूरे बड़े वाले बेड के ऊपर। साथ में अगर मारियो वगैरह यहां पर पड़ी हुई है, मेरा सामान ये रहा, मारियो और सिल्विया का सामान, क्यों आते इतना खिलारा डाल दिया इन लोगों ने। और इतना ही नहीं, मैं कोई और चीज दिखाता हूं। तो अगर मैं यहां से अंदर जाऊं तो रूम के अंदर एक और रूम बना हुआ है, तारा अपने पास अपना खुद का किचन भी है मेरे भाई। और दूसरी बात हमें बोल कर रखी थी खिड़कियां, ये वाली खिड़की और वो वाली खिड़की और वो वाला दरवाजा जो मेन दरवाजा बंद करके रखना, क्योंकि यहाँ पर छोटे 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 मच्छर भी हैं, काट लेंगे तो पता लगेगा तुम लोगों को। चलिए छोटे से ब्लॉग इतना काफी है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है। और अगर आपको ये मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।